ज्ञान मार्ग के बारे में रामकृष्ण परमहंस क्या कहते थे? वो कहते थे कि ज्ञानी जन ज्ञान मार्ग पर चलते हैं और सत्य के विषय में, ब्रह्म के विषय में सदा नेति नेति का विचार करते रहते हैं। वो कहते हैं कि यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। वो कहते हैं कि ब्रह्म ये नहीं है, ब्रह्म वह नहीं है। जो ज्ञान मार्गी होता है वह कहता है कि वह जगत नहीं है, जीव नहीं है, और इसी प्रकार वो विचार करता रहता है, नेति नेति करता रहता है, और उसका मन स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, और इस तरह से मन लीन हो जाता है। और फिर जो साधक होता है ज्ञान मार्गी का, वह समाधि में मग्न हो जाता है, वो सबकी नेति नेति कर देता है, अंत में नेति नेति करने वाले के भी नेति नेति हो जाती है। रामकृष्ण कहते हैं कि यदि आप मैं कौन हूँ इस विचार का भली भांति इसको समझें, तो आप पाएंगे कि मैं नाम की कोई सत्ता है ही नहीं। ये जो मैं करता रहता है ना, अगर इस पर विचार करो तो अंत में तुम पाओगे कि मैं नाम का कोई वस्तु है ही नहीं। वो उदाहरण देकर समझाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा करो, एक प्याज उठाओ, एक प्याज लो और उसके छिलकों को अलग करते जाओ। पहले कौन सा छिलका होगा? बाहर लाल छिलका निकलेगा, फिर उसके अंदर मोटे सफ़ेद छिलके मिलेंगे, और इन्हें भी एक एक करके निकालते जाओ, और अंत में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये जो मैं है ना, ये मैं क्या है? अहम, ठीक। और अहम की खोज में ही जब जाते हो, तो अहम का जब एक एक करके छिलका निकालते जाते हो, तो अंत में अहम भी शून्य हो जाता है। तो जिस प्रकार हम प्याज का छिलका निकालते हैं और अंत में कुछ नहीं बचता, वैसे ही जब इस मैं कौन हूँ मैं, इस मैं की खोज में निकलते हो, तब अंत में कुछ नहीं बचता, इस अहम का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। क्योंकि सत्य दो तो है नहीं, सत्य तो एक ही है, तो या तो अहम होगा या ब्रह्म होगा, तो अहम बचेगा ही नहीं क्योंकि ब्रह्म सत्य है। तो जब मैं कौन हूँ इसकी खोज करते हैं, तो मैं का कोई अस्तित्व नहीं होता, और जो खोज करने वाला है वो भी, चूंकि अहम ही तो था ना जब वो शुरुआत में खोज करने निकला, वो भी एक एक परत के साथ मिटता जाता है, मिटता जाता है, और अंत में जाकर मौन हो जाता है। फिर जो बचता है उसका वर्णन कौन करे? क्योंकि वर्णन करने वाला ही कोई नहीं है, उसके अलावा कोई है ही नहीं, तो वो क्या वर्णन करे और किसको वर्णन करे? इसलिए साधक अंत में जाकर फिर मौन हो जाता है, शांत हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति ने रामकृष्ण से कहा कि कृपया करके मुझे ऐसा उपदेश दीजिए कि एक ही बात से मुझे ज्ञान आ जाए। मतलब कोई साधक आया होगा, उसने कहा कि अब इतनी सारी बातें तो मुझे समझ आती नहीं, आप तो कोई एक बात बता दो जिससे कि मैं जान जाऊं, मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो रामकृष्ण ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, इसकी धारणा करो और चुप होकर बैठे रहो। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, इसकी धारणा करो और चुप होकर बैठे रहो, अर्थात साक्षी हो जाओ बस, ये जानकर कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है। आगे रामकृष्ण ज्ञान योग के बारे में कहते हैं, ज्ञान मार्ग के बारे में कहते हैं कि इस कलयुग में ज्ञान योग की साधना बड़ी कठिन है। एक तो मनुष्य का जीवन पूरी तरह से अन्न पर आधारित है, अन्न पर निर्भर करता है। दूसरा, उसकी आयु भी बहुत कम है, और तीसरा, उसमें देह भाव है जो छूटता ही नहीं, और जब तक देह भाव से इंसान मुक्त नहीं होगा तब तक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। तो रामकृष्ण कहते हैं कि ज्ञान योग की साधना बड़ी कठिन है। ज्ञान योग की जो साधना है वो होती सीधी सीधी है, सीधी और सरल, पर उस पर चलना बड़ा कठिन होता है। फिर रामकृष्ण कहते हैं कि जब तक भगवान बाहर तथा दूर प्रतीत होते हैं तुम्हें, तब तक तुम अज्ञान में हो, परंतु जब अपने अंतर में उनका अनुभव होता है तब ही यथार्थ ज्ञान का उदय होता है। और फिर जिस व्यक्ति ने उन्हें अपने अंदर पा लिया, जो उन्हें अपने हृदय मंदिर में देखता है, वही व्यक्ति उन्हें जगत मंदिर में भी देखता है, माने संसार में भी देख पाता है,
और जो व्यक्ति अपने अंदर उन्हें नहीं देख पाता, जब तक आदमी समझता है कि भगवान वहाँ है बाहर कहीं पर, तब तक वह अज्ञानी है। और जब वह अनुभव करता है कि भगवान तो यही है मेरे निकट, तभी उसे ज्ञान प्राप्त होता है। नेति नेति की जो प्रक्रिया है, जिसमें कहते हैं ना कि ब्रह्म के बारे में कि ये ब्रह्म नहीं है वो ब्रह्म नहीं है, उसको समझाने के लिए रामकृष्ण एक उदाहरण देते हैं। रामकृष्ण बताते हैं, वो कहते हैं कि घर का एक मालिक है और घर का जो मालिक है वो एक अंधेरे कमरे में सो रहा है। अब उस मालिक को ढूंढने के लिए कोई व्यक्ति अंधेरे में उन्हें टटोलता फिरता रहता है। अब जो व्यक्ति उस मालिक को ढूंढ रहा है अंधेरे कमरे में, वो कभी खाट को छूता है और कहता कि नहीं 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 नहीं, ये तो मालिक नहीं है, ये वह नहीं है। फिर वो खिड़की को छूता है और फिर कहता है नहीं नहीं ये भी वो नहीं है। वह दरवाजे को छूता है फिर कहता कि ये भी वो नहीं है। तो रामकृष्ण कहते हैं कि ये जो नहीं नहीं की प्रक्रिया है कि ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये वेदांत में इस प्रक्रिया को नेति नेति कहते हैं। और फिर अंत में उसका हाथ मालिक पर पड़ जाता है और वह एकदम कह उठता है ये है, या फिर दूसरे शब्दों में कहो तो अब उसे मालिक के अस्तित्व का ज्ञान हो जाता है। उसने मालिक को पा लिया है परंतु अभी भी वे उसे घनिष्ठ रूप से नहीं जान पाया है। अर्थात जब व्यक्ति नेति नेति करता है तो उसे ये पता चल जाता है कि हाँ वो है, और फिर वो उसी की साधना में रत रहता है और फिर वे हर चीज की नेति नेति करता रहता है। और अंत में वो जो नेति नेति करता है उसकी भी नेति नेति करके मात्र वही बच जाता है जो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म मात्र रह जाता है। रामकृष्ण कहते हैं कि ज्ञान एकत्व की ओर ले जाता है और अज्ञान नानत्व की ओर। नानत्व माने अनेक चीजों में इंसान भटकता फिरता है, बिखरा हुआ रहता है, छित्राया हुआ रहता है। जैसे होता है ना, मोर नाचता है तो सारे उसके पंख वो बिखेर देता है, अलग अलग हो जाते हैं। इस तरह से अज्ञानी जो होता है संसार में, कभी उसका मन इधर भटकता है, कभी उधर भटकता है, कभी इस चीज में घुसता है, कभी उस चीज में घुसता है। और जो ज्ञानी होता है वो हर चीज की नेति नेति करता है और मन एक जगह स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। और एक जगह कहाँ पर? मुक्ति की दिशा में, शांति की दिशा में, प्रेम की दिशा में, जहाँ उसके बंधन कटते हैं वो उस दिशा में बढ़ता है। रामकृष्ण कहते हैं कि ज्ञान योगी कहता है कि वह मैं हूँ, वह जो ब्रह्म है वह मैं हूँ, किंतु जब तक देह भाव है तब तक सोहम भाव माने वह मैं हूँ ये भाव हानिकारक होता है। अर्थात जब तक आप में देह भाव है, तब यदि आप ये कहते हैं कि मैं वही हूँ ब्रह्म हूँ, तो ये हानिकारक है। ऐसा होता है ना, जब कहते हैं तत्वमसी वह तुम हो, तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, हाँ वो मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ, खूब नाचते गाते हैं मैं ही ब्रह्म हूँ। अब समझते कुछ नहीं, बस कह दिया इनको किसी ने कि वह तुम ही हो, तो ये चिल्ला रहे हैं वह मैं ही हूँ, वह मैं ही हूँ। और इनके जीवन को देखो, इनके कर्मों को देखो, तो कहीं से नजर नहीं आती है। तो रामकृष्ण यही कह रहे हैं कि जब तक देह भाव है, जब तक तुम्हारे जीवन के सारे कर्म विचार भाव सब शरीर की सेवा में ही लगे हैं, तब तक वह मैं हूँ माने ब्रह्म ऐसा कहना हानिकारक है। इससे उन्नति होती है? उन्नति नहीं होती है, बल्कि पतन ही होता है। ऐसा व्यक्ति खुद को भी धोखा देता है और दूसरों को भी धोखा देता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति हो, वो बहुत बीमार हो और क्या कहे मैं बीमार नहीं हूँ, तो खुद भी बीमार रहेगा और दूसरे को भी संक्रमित कर देगा। होते हैं ना, कुछ लोग शराब पी लेते हैं और क्या कहते हैं मैंने शराब नहीं पी है, अब वो दिख रहा है हमें कि शराब पी रखी है, पर फिर भी कहते हैं कि मैंने शराब नहीं पी है। तो जब तक व्यक्ति देह भाव से लिप्त है, स्वयं को शरीर मानकर ही जी रहा है, तब तक ब्रह्म मैं हूँ, मैं वह हूँ ऐसा कहना सोहम, ये हानिकारक होता है। और बड़ी सुंदर बात यह है कि जो व्यक्ति जैसे जैसे देह भाव से मुक्त होता जाता है, फिर वो कहता ही नहीं, उसको कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि वह मैं हूँ। अगर वह मैं हूँ ब्रह्म सत्य है और वह मैं हूँ
तो किससे कहेगा फिर वो, क्योंकि ब्रह्म जहां है वहां तो द्वैत है नहीं, तो वो कहता भी नहीं, फिर वो इस विषय में बात ही नहीं करता। रामकृष्ण कहते हैं कि तीन तरह के भक्त होते हैं, कौन कौन से, एक होता है निम्न श्रेणी का, वो क्या कहता है, वो कहता है कि भगवान है किंतु वे बड़ी दूर स्वर्ग में हैं। एक मध्यम श्रेणी का भक्त होता है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि भगवान सभी जीवों में प्राण एवं चैतन्य के रूप में हैं। सभी जीवों में जो प्राण और चैतन्य है उस रूप में भगवान ही हैं। और जो उत्तम श्रेणी का भक्त होता है वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो है भगवान ही है, जो दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, सब कुछ भगवान है, भगवान स्वयं ही ये सब कुछ बने हुए हैं। मैं जो देखता हूँ वह भी भगवान का एक रूप मात्र है, ये जो एकमात्र माया है वह भी भगवान है, वो भगवान ही ये जगत और जीव के रूप में बना हुआ है, तो भगवान के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो जो उत्तम श्रेणी का भक्त होता है वो इस समस्त संसार को ही भगवान का एक रूप मानकर इसे ही भगवान मानता है, पूछता है और इसी की फिर सेवा करता है। और अगर सच सच देखो तो जो ज्ञान मार्गी है वो भी क्या करता है, वो संसार के कल्याण के लिए ही तो फिर कर्म करता है ना। जितने भी हुए कबीर साहब, बुद्ध, मीराबाई, महावीर, जिनको भी आप देखेंगे, सबने इसी संसार के कल्याण के लिए तो फिर कर्म किए ना। तो कहीं ना कहीं वो भी यही कह रहे हैं कि समस्त संसार के रूप में वह ही फैला हुआ है। तो इस तरह कुछ बातें हैं जो रामकृष्ण ने ज्ञान योग के बारे में कही हैं।